हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो MySQL की है और MySQL में एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है आपको, ठीक है। और वो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है और इस टेबल में आप देख सकते हैं, अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और इसे चलाता हूँ, ठीक है, तो ये चलाया हमने, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला जो सीरियल नंबर है वो संदीप का है, एज इनकी 65 है और ये सर्जरी डिपार्टमेंट में एडमिट है और इनके चार्जेस 300 रुपए बने हैं और ये मेल हैं और इनका डेट ऑफ एडमिशन, कब इन्होंने एडमिशन लिया था, कब ये भर्ती हुए थे, एक टेबल हमारे पास दी गई है उसी का ये है, ठीक है। फिर करण है और यहाँ पर देख सकते हैं करण जो नाम है वो 3 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। एक तो रिपीट हुआ है तो इसको चेंज करना है, दूसरा यहाँ पे अंजलि है तो यहाँ पे देखिए अंजलि नेम जो है फीमेल का है लेकिन यहाँ मेल हो गया है गलती से, अब इसको कैसे सही करें, सवाल यही है, ठीक है। तो यहां पर हम डिलीट का यूज कर सकते हैं, हम चाहें तो ये जो रो दिख रही है इसको डिलीट कर सकते हैं। कैसे डिलीट करेंगे आइए समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले यहां पर डिलीट लिखना है, तो DELETE डिलीट लिख दिया और फिर यहां पर आपको क्या करना है, फ्रॉम कहां से डिलीट करना है, तो फ्रॉम और यहां पर हॉस्पिटल, टेबल का नाम क्या है, हॉस्पिटल है तो यहां लिख दिया हॉस्पिटल, तो ये टेबल हो गई आपकी, ठीक है। अब यहां पर हम वेयर बताएंगे कि उनका सीरियल नंबर क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है SN वैसे ही लिख देना आपको, देखिए मैंने जैसे लिखा है बिल्कुल वैसे ही आपको भी करना है, जो आपका फील्ड का नेम हो, जैसे मेरे में SN है सीरियल नेम में, सीरियल नंबर में, तो वही मैंने लिख दिया है, ठीक है। SN, अब देखिए अंजलि का जो सीरियल नंबर है वो 1 है, ठीक है, रेपिटेटिव है लेकिन यहाँ पे 1 ही है सीरियल नंबर, सीरियल नंबर भी गलत हो गया है तो क्यों ना इसी को डिलीट कर दिया जाए, ठीक है, क्यों ना इसी को डिलीट कर दिया जाए। या फिर यहां पर हम कर सकते हैं, जैसे सीरियल नंबर तो रिपीटेड है तो यहाँ पे हम नेम कर सकते हैं, NAME नेम इज इक्वल टू यहाँ पे क्या कर देंगे, डॉट कॉमा में अंजलि, जो भी है यहाँ पर ये वाला रिकॉर्ड जो है डिलीट करना है क्योंकि ये गलत है, ठीक है, तो ये हमको डिलीट करना है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, ठीक है, और सेलेक्ट करके यहाँ से चला देंगे, तो चलाएंगे तो आप देखेंगे कि ये सक्सेसफुली एक्सिक्यूट हो गया हमारा प्रोग्राम। और अब जबकि आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर अंजलि नाम आपको गायब मिलेगा, तो गायब है, ठीक है। अब यहां पर देख सकते हैं ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3, और तीनों में करण 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 नाम है और ऑर्थोपेडिक है और सेम वैल्यूज तीनों में पड़ गई हैं, तो इसके लिए क्या करना है, इसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे, तो भाई डिलीट कर देंगे, सीधा सीधा डिलीट ही कर देते हैं हम, क्या दिक्कत है, तो यहां पर अंजलि नाम था तो इस बार करण कर देते हैं, KARAN, ठीक है, KARAN करण कर दिया, और करण का जो सीरियल नंबर है वो 3 ही है, तो अभी तीनों को एक साथ ये डिलीट करेगा, ठीक है ना, तो तीनों को डिलीट करके देखते हैं, तो यहां से इसको चलाएंगे और यहां पे इस पे क्लिक कर देंगे तो ये सक्सेसफुली एक्सिक्यूट हो गया, और अब यहां से इसको सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो देखिए सिर्फ एक ही नाम हमें मिल रहा है। अब हमें इंसर्ट कराना है, तो इंसर्ट कराने के लिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर मान लीजिए आपने ऑलरेडी दे रखा है, जैसे मान लीजिए यहां पर संदीप का क्या है 1 है, ठीक है, तो अभी हम अगला देंगे तो यहाँ पे 2 कर देंगे, तो अंजलि यहाँ पे नाम तो चेंज है ही, यहाँ पे मैं अंजलि जैसे लिख दिया है और गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है और तमाम चीजें यहाँ पे चेंज कर दी है, तो अगर अब हम इसको चलाते हैं यहां से, देखिए इसको उठाएंगे और यहां से इसको सेलेक्ट करेंगे और सीधा रन करा देंगे, रन कराएंगे तो अब रिजल्ट में आप देखेंगे कि यहां पर एक और नाम ऐड हो जाएगा, देखिए कैसे, ये देखिए ये 2 नाम ऐड हो गए, अब यहाँ पे डिपार्टमेंट भी चेंज है, गैस्ट्रोलॉजी है, ठीक है, तो अब इस तरीके से हम चेंज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 करता हूँ, 3, ठीक है, और नाम चेंज करता हूं, ठीक है, जैसे मान लीजिए नाम में कर देते हैं अविनाश, अविनाश ये हो गया, और यहां पर इनकी एज भी चेंज करते हैं, इनकी एज है 20 और डिपार्टमेंट है न्यूरोलॉजी, तो यहां चेंज कर देते हैं, ठीक है, यहां पर देखिए NEUROLOGY, तो न्यूरोलॉजी कर दिया, और यहां पे ये सेम ही रखते हैं, ठीक है, और यहां देखिए इसको हमने चलाया तो यहां पर ये अपडेट हो चुका है, इसी तरीके से और भी इसमें कर सकते हैं, ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी कि इसमें चेंजेस वगैरह कैसे करने हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। जैसे मान लीजिए अगला इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, फिर यहाँ 4 कर दीजिए, जैसे 4 पे रवीना है, ठीक है, एक नाम हमने पहले भी लिखा था इसमें जो हमारे टेबल में दिया गया, तो RABEE, तो ये रवीना कर दिया, और रवीना किया तो यहाँ पे एज इनकी चेंज है, इनकी एज है 26 और डिपार्टमेंट मान लीजिए न्यूरोलॉजी है, लेकिन यहाँ पे देखिए जेंडर फीमेल है तो यहाँ एफ कर देंगे, और यहाँ पे डेट चेंज है तो 1998 नहीं है, 2000 है, यहाँ पे 2000, तो ये 2000 कर दिया, तो पहले ईयर ही आता है ये याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ से उठाइए, इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से रन कर दीजिए,
तो ये चल गया आपका, ठीक है। और चलने के बाद क्या होगा, यहां से रन करवाएंगे, तो जब रन करवाएंगे तो आप चेंज कर देते हैं, यहां से यहां पे 5 कर देते हैं और यहां पे 5 हो गया, और यहां पे लिख देता हूं राकेश एक नाम और यहां पे दे देता हूं R A K E S H, और यहां पे एज भी चेंज करेंगे, ये देखिए एज चेंज हो गई 35 कर देते हैं, और यहां पे डिपार्टमेंट रख देते हैं ऑर्थोपेडिक या कुछ और कर देते हैं, गैस्ट्रो कर देते हैं, गैस्ट्रो GASTROLOGY गैस्ट्रोलॉजी, ठीक है। तो ये गैस्ट्रोलॉजी कर दिया। फीस हमने यहां पे रख मैं यहां पे रख देता हूं 300 रख देता हूं, ठीक है, चार्जेस। और यहां पे डेट चेंज कर देंगे, यहां पे कर देंगे 7, ठीक है। तो ये चेंज कर दिया, अब यहां से इसको चला दीजिए, देखिए ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, और एग्जीक्यूट होने के बाद क्या करना है आपको, एग्जीक्यूट होने के बाद यहां से इसको सेलेक्ट करना है और रन करना है। तो रन किया तो यहां पे देख सकते हैं इस तरीके से आ जाएगा, आ गया। अब देखिए इसमें जो है, जैसे मान लीजिए वेयर का कई बार प्रयोग जैसे यहां पर भी किया है हमने, तो इसमें जैसे दो ही रिकॉर्ड को सेलेक्ट करना है, ठीक है, दो ही रिकॉर्ड को सेलेक्ट करना है, या एक ऐसे रिकॉर्ड को सेलेक्ट करना है जिसके पहले आर आता हो, तो इसमें आप यूज कर सकते हैं लाइक का, ठीक है। तो लाइक एक ऑपरेटर होता है जिसका आप बखूबी यूज कर सकते हैं यहां पर भी। कैसे यूज करेंगे, कैसे ये होगा, उन्हीं सब के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। अब देखिए इसमें दो नाम ए से आए हुए हैं, ठीक है, और ए से जो दो नाम आए हुए हैं इन्हीं को हमको यूज करना है, इसी में लाइक ऑपरेटर यूज करना है। तो कैसे यूज करेंगे, तो सबसे पहले तो सेलेक्ट ही लिखेंगे, ठीक है, तो यहां लिखते हैं सेलेक्ट, ठीक है, और सेलेक्ट लिखने के बाद फिर एस्ट्रिक लगाएंगे फ्रॉम, ठीक है, ये लिख दिया फ्रॉम, और फ्रॉम लिखने के बाद कहां से, तो हॉस्पिटल नाम का टेबल है उसी से हमें ये लेना है, तो ये हॉस्पिटल कर दिया। यहां पर आएंगे तो यहां पे वेयर कंडीशन देंगे, वेयर दे दिया हमने, और यहां पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, तो यहां नेम लिखेंगे एन ए एम ई नेम, ठीक है, नेम इज इक्वल टू, या फिर नेम कर देते हैं ऐसे सीधे लाइक लिख देते हैं, लाइक ई लाइक, ठीक है, लाइक लिख दिया। और फिर यहां पे क्या देंगे, यहां पे देंगे लाइक, जैसे मान लीजिए कि हमको लाइक कौन सा चाहिए, मतलब कैपिटल ए से जो स्टार्ट हो वो सारे जो है वाले नेम हमें चाहिए, तो यहाँ पे ये कर दिया, और यहाँ परसेंटेज लगा देंगे, और फिर इस डबल डॉटेड कोट्स को या सिंगल डॉटेड कोट्स हमने लिया है तो सिंगल डॉटेड कोट्स को क्लोज कर देंगे, आप डबल डॉटेड कोट्स भी ले सकते हैं। तो ये हो गया। अब ये जो टेबल है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गैप भी होगा, गैप छूट गया। अब देखिए ये यहां से इसको पकड़ेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहां से चलाएंगे, तो अब देखेंगे कि केवल ए वाले ही नाम आएंगे, अंजलि और अविनाश दो ए वाले थे तो वही केवल नाम आ रहे हैं। तो इस तरीके से लाइक को भी आप यूज कर सकते हैं, ये बड़ा आसान है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। इसी तरीके से जो है और भी ऑपरेटर होते हैं इसमें, उसको भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। लिख लेते हैं, हम यहाँ पे आएंगे सेलेक्ट जो स्टेटमेंट है उसको लिख लेते हैं, तो ये लिखा सेलेक्ट, और यहाँ पे एस्ट्रिक लगाएंगे इस तरीके से, ये एस्ट्रिक हो गया, ठीक है। और फ्रॉम कहां से सेलेक्ट करेंगे, तो वही हॉस्पिटल नाम का टेबल है वहीं से सेलेक्ट करेंगे, तो ये लिख दिया हॉस्पिटल, और फिर क्या करना है, एंटर करना है, और यहाँ पे वेयर की कंडीशन देंगे वेयर, ठीक है, वेयर कर दिया। और वेयर में क्या देंगे, यहां पे दे देते हैं, यहां पे दे देते हैं डिपार्टमेंट, तो ये दे दिया डिपार्टमेंट, ठीक है, ये डिपार्टमेंट दे दिया। और डिपार्टमेंट देने के बाद क्या करते हैं, यहां पे इन लगाएंगे इन, ठीक है, इन लगा दिया। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, अब दो डिपार्टमेंट्स के नाम हमको यहां पे देने हैं, ठीक है, जैसे उन्हीं दोनों डिपार्टमेंट्स की बात हम करेंगे, ठीक है। तो एक यहां पे मैं कर देता हूं सर्जरी, ठीक है, तो जैसे लिखा गया है ना वैसे ही हमको करना है, तो ये हो गया। अब इसको सेलेक्ट कीजिएगा तो दोनों आएगा, देखिए यहां पे दोनों आ रहा है, दोनों आ रहा है कि नहीं, सर्जरी वाला आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो इन ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप बहुत आसानी के साथ एसक्यूएल में कमांड्स लिख सकते हैं, क्वेरी लिख सकते हैं, ये बड़ा आसान है, और एक छोटी सी क्वेरी एक नंबर की होती है और आपको बहुत ज्यादा मार्क्स दिलवा सकती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।